वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। CAA को लेकर जिस तरह से पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। कुछ दिन पहले इस कानून के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर लोग उतरे थे, जगह जगह इसके खिलाफ ऐसे प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार जो है इस कानून को लेकर पीछे हटने को राजी नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट AH चौधरी और उनके बेटे अब्दुल कबीर चौधरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो CAA कानून है इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की है। हम इन्हीं से बात करते हैं। जिस तरह से आपने जो है इस कानून के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, क्या है ये पूरा मामला? याचिका इसलिए किया गया है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, पब्लिक के खिलाफ है। इसलिए सारे लोग मिल के इंडिया से करीब 65-70 हो गए लगभग करीब पटिशन हाई सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने मानवाधिकार ह्यूमन राइट ट्रस्ट इंडिया ट्रस्ट के तरफ से मैंने वहाँ दाखिल किया हूँ। वहाँ पे दाखिल करने का मकसद ये है कि जो कानून लोगों को नहीं पसंद है, जिसमें लोग गुलाम बन सकते हैं, बनाए जाएंगे, वो कानून नहीं चाहिए, और ऐसे कानून को रिवोक किया जाए, कैंसिल किया जाए या स्क्रैप किया जाए। ये गवर्नमेंट खुद करे, इलेक्शन नहीं देखे, गवर्नमेंट खुद करके ख़त्म करे, और नहीं तो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना कलम चलाएगा। आपने जो ये इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो इसकी सुनवाई जो है कब तक शुरू होने वाली है? 22 तारीख को इसका जो है हेयरिंग चालू 22 से होगा। उसमें नोटिस इशू हो जाएगा लोगों को, और उसमें जो है जिसमें पटिशन में जो कुछ उसको कम ज़्यादा करना है, जिसको अमेंड करना है, जिसको हम बोलते हैं करना है, तो चालू उस वक्त से हो जाएगा। ये 22 को बाद में फिर इसके बाद और 2-4 डेट पड़ेगा, 5 डेट, हाँ, इस डेट के बाद में फिर इसको आर्गुमेंट शुरू होगा, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए कानून है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ही दखल दे सकता है। हाई कोर्ट्स को, किसी हाई कोर्ट्स को पावर नहीं इसको चलाने का, ही केस और कॉन्स्टिट्यूशन की 3 बेंच के सामने होगा। अभी जो बेंच है ये क्या नाम है, बोबडे साहब हैं चीफ जस्टिस, उसके अलावा SR गगोई साहब हैं, और फिर सूर्यकांत साहब है, 3 जज हैं, हाँ। ये 3 जज के सामने चलेगा, फिर ये लोग अपना जो रहेगा विचार, अगर कर सके तो कर लेंगे, नहीं तो इसको बेंच के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 5 का जज का होगा, वहाँ ये सौंप देंगे। अब वहाँ पे तो कलम चलेगी। नहीं, जिस तरह से सरकार का कहना है कि ये जो कानून है, इस कानून के जरिए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ना कि नागरिकता छीनने वाला ये कानून है, तो उसके बाद जो है फिर क्यों इस कानून का विरोध हो रहा है, लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? नागरिकता कैसी जाएगी? CA अलग है, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अलग है 2019, और NPR अलग है। जब तक ये दोनों चीज़ें अलग है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CA बनाने की अर्जेंसी क्यों हो गई? अभी तक ऑलरेडी सिटीजनशिप लेने के लिए एक्ट है, स्पेशली ऑलरेडी कानून बना हुआ है, जैसे अदनान सामी ने लिया है, इसके पहले भी कई पाकिस्तानी लोगों ने और आउट अदर कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ सिटीजनशिप ली है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर्टिकुलर ये एक्ट बनाने का रीज़न क्या है इस वक्त? ये रीज़न है या आसाम में जो उन्होंने सोचा था उसके मुताबिक उल्टा हुआ, 19 लाख लोगों में 15.5 लाख गैर मुसलमान लोग, यार बेचारे हमारे हिंदू भाई बहन निकले। अब अगर कानून था नागरिकता देने का, जैसे आपने बताया, जिक्र किया कि दिया गया है, तो फिर आखिर सरकार का इस कानून के पीछे मकसद क्या है, क्या लाना है? प्रोसीजर पहले मैं समझा दूं क्या है। मसला ये है कि उन जो लोगों को डिटेन किया गया 19 लाख लोगों में, उनके पास जैसे 84 के पहले या 72 के पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब वो 15.5 लाख लोग जो हिंदू हैं धर्म के, अब उनको कैसे इंडियन साबित किया जाए बिगर डॉक्यूमेंट्स के? आज उनको ले लिया और आज से वो इंडियन हो गए, आप समझ रहे? तो इसलिए स्पेशली ये एक्ट बनाया गया है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनॉरिटी लाओ, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी दुनिया से लाओ, वो माइनॉरिटी है वहाँ पे, आप लाओ, हम उसको वेलकम करते। लेकिन जब CAA इंडिया में NPR के साथ जब जुड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि मुसलमान बाहर, जो इंडिया में रहने वाला है, और जो बाहर से हिंदू है, जिसने 1947 में इंडिया को त्याग दिया, जिसकी पसंद नहीं थी हिंदुस्तान, हमारी तो पसंद थी ना, हम तो हमारा देश है, हम नहीं छोड़ कर गए, जो छोड़ कर गए उनको क्यों हम बचाएंगे? और ऑलरेडी इतनी भुखमरी, इतना सारी चीज़ें चल रही है कि लोगों का जॉब नहीं है, रिसेशन है, कंडीशन क्या है, GDP का हाल क्या है, तो ये पर्टिकुलर ये बनाया गया इसी के लिए कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग ये है। अभी तो बता रहे CA अमेंड करके हम वहाँ से ला रहे,
अब ये जो 19 लाख लोगों में से 15.5 लाख लोगों को जब इंडियन बना देंगे तो जो 5.5 लाख लोगों को क्या करेंगे, कितना डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। 1650 करोड़ खर्चा हुआ है NPR में, आप समझ रहे हैं जी इकोनॉमी का ये हाल है। तो ये रीज़न इसका ये है कि इंडिया में जो गैर मुसलमान लोग हैं उनको सिटीजनशिप देना। इसी वक्त पे NPR को भी इसमें जोड़ना, क्या लग रहा है आपको कि सरकार किसी समुदाय को टारगेट कर रही है इसमें? NPR अभी तो सरकार सीधा हाथ उठा लिए कि NPR हम अभी नहीं करने वाले। आप देख रहे हैं अमित शाह का स्टेटमेंट आ रहा है, मोदी का स्टेटमेंट आ रहा है, हम करेंगे। तो एक्ट क्यों बनाया आप, उसको मेंशन कर दीजिए पर्टिकुलर उस एक्ट में CAA में कि भाई ये पर्टिकुलर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में, उनको यहाँ लाएंगे। और इंडिया में जो जिनके पास नागरिकता नहीं रहेगी वो उनको हम ये एक्ट के तहत में डील नहीं करेंगे। आप उसको इससे जोड़ दीजिए ना, आप ये भी नहीं करते हैं वो भी करते हैं, दोनों चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब NPR जब होगा, जो लोगों के पास नागरिकता नहीं होगी वो मुसलमान हो गए, यानी पर्टिकुलर एक टारगेट कमेटी को आप बाइफरकेट कर रहे हो, सिर्फ बाइफरकेट कर रहे हो कि आप मुस्लिम हो आपको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। आप मेंशन कर दो ना माइनॉरिटीज को देंगे जो बाहर से आएंगे, उसके सिवा किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा है कहीं बिल में, ऐसा बोला गया नहीं? आपको क्या लग रहा है कि अगर ये कानून लागू होता है पूरे देश में तो क्या बड़े पैमाने पर भारत में जो विदेशी लोग हैं जैसे अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान यहाँ के रहने वाले भारी संख्या में भारत आकर जो है रहेंगे? कल ही न्यूज़ इंडिया टुडे की न्यूज़ है कि पाकिस्तान के लोगों ने तो अपोज कर दिया, हम पाकिस्तान क्यों छोड़ेंगे? बेशर्मी की बात है, शर्म की बात है, हम इतना अपने देश पर गर्व करते हैं, ये ले जाकर पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी लोगों के सामने हमारे को हमको जलील कर रहे हैं हिंदुस्तानियों को, वो लोग डायरेक्टली अपोज कर रहे हैं। और ये अफसोस की बात नहीं है कि आतंकवादी देश से तुम लोगों को लाओगे, क्या गारंटी वो हिंदू ही है, उसकी कोई श्योरिटी है? सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया को? कोई स्पाई ISI अपना कोई एजेंट भेज देगा, कहीं आतंकवादी हमले शुरू हो जाएंगे तो उसके जिम्मेदार कौन है? जो लोग यहाँ हैं 125 करोड़ लोग, उनकी जान को आप धोखे में डाल रहे हो, ये तो नुकसान है ना। और ला के बसाओगे कहाँ? आप चाइना के करीब पहुंच गए आबादी में, रोजगार नहीं है, ज़मीन नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास, और ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट है इतना बड़ा, और आप इतना सब कुछ करने पे तुले हो, कोई सेंस है? वो लोग तो ठुकरा दिए, बस बेशर्मी की बात है। PM को सोचना चाहिए कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं, हमको नहीं आना है इंडिया, अफसोस की बात है। तो कानून बनाने का उनके लिए नहीं मकसद, कानून बनाना यहाँ जो इन्होंने कर दिया उल्टा उसको सीधा करने के लिए, अब ये फंस गए पूरे इंडिया में, इसी के लिए इन्होंने कानून बनाया। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो डिटेंशन कैंप है और इस कानून के जरिए लोग जो है डिटेंशन कैंप में जाएंगे, तो एक तरफ प्रधानमंत्री का कहना है कि जो है डिटेंशन कैंप भारत में नहीं बन रहे हैं, लेकिन खबरें ऐसी भी आई कि महाराष्ट्र में भी बन रहा था, आसाम में भी बन रहा है जिसका 70% काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में सरकार क्या झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है जनता को? सर आप तो मीडिया हाउस है, मैं आपको पहले ही बता दूं फडणवीस सरकार थी, यही न्यू बॉम्बे बाजू में है, प्लॉट अलाउट हुआ है, और अभी उद्धव साहब ठाकरे की सरकार आने के बाद में उसको इस ऑर्डर को लोग ने पारित किया है कि हम ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर बनाएंगे नहीं, और ऑन रिकॉर्ड है, आप मीडिया हाउस से, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आसाम में ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, उसकी लिमिटेशन छोटी है, इसलिए इन्होंने नया डिटेंशन सेंटर बनाने का काम शुरू किया है। और अभी इसी ठंडी में 35 लोगों की डेथ हुई है ठंडी से, वो डिटेंशन कैंप में। क्या वो भारतीय नहीं है जो यहाँ रहता है, जो पहले से यहाँ रहता है वो भारतीय नहीं है? जो बाहर रहता है उसकी फिक्र है, जो घर में है उसकी फिक्र नहीं? ये तो खेल है, ये सब खेल है सर, और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, सरकार अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए ये सब नए नए कानून में लाकर पूरे देश को उलझा कर रखी हुई? सर वर्ल्ड बैंक ने आज बोल दिया, वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया सबसे बड़े कर्जे में इस वक्त इंडिया में, 42 ईयर्स में पहली बार इतनी बुरी कंडीशन है इकोनॉमी की, GDP 3-4 बता रहे, 2 से ऊपर नहीं GDP इस वक्त, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे? तो इनके पास राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, इनके पास ट्रिपल तलाक का मुद्दा ख़त्म हो गया, 370 का ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया, इनको हमेशा हिंदू मुस्लिम एक टॉपिक चाहिए, तो ये नया टॉपिक शुरू किया इन्होंने, और इस पर इनकी अपनी राजनीति करेंगे, होने वाला नहीं, ये खींचते रहेंगे। और हमारा काम है लड़ते रहना, हम अभी तक चुप थे क्योंकि हमको पीस चाहिए था, लेकिन जब हमारे घर तक बात आ जाएगी, मैं जाऊँगा तो मेरा पड़ोसी वो रहेगा तो मैं रहूँगा, वो जाएगा तो मैं जाऊँगा, ना पेपर देंगे ना पेपर दिखाएंगे, रहेंगे तो साथ में, रहे हैं साथ में और हमेशा रहेंगे साथ में। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका दायर कर दी, लेकिन सरकार का कहना है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।
सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 15 की इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कोई भी कानून बनाने से पहले उनको इक्वालिटी देखना ही है, हर किसी को इक्वल देखना है। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो, तो कोर्ट की लड़ाई है, यहाँ लड़ेंगे। टेक्निकल चीज़ों पे हमने फाइल किया, बहुत सारे कोर्ट्स के साइटेशन है, आसाम कोर्ट का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का है, तो सारी चीज़ों पे तो हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम जीतेंगे। हमको आज भी जुडिशरी में विश्वास है और हमेशा इंडिया का जुडिशरी साथ दिया है। डिले इन प्रोसीजर है बट डिनाई नहीं कर सकते हम कि इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है इंडिया में। आर्टिकल 21 बहुत सारे हैं उसमें, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें उसमें कवर की हमने। सर सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, प्रियम्बल ही हमारा है, साथ में रहना, साथ में जीना हर चीज़। और ये कुर्बानी सिर्फ आज़ादी के लिए हिंदुओं ने, सिखों ने, पंजाब और किसी मुस्लिम लोगों ने नहीं दिए, सब ने मिल के कुर्बानी दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखकर बनाया था कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, धर्म का हो, या कोई भी। और फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, ये बाई चॉइस है, रिलीजन बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। यानी ये कानून को धर्म से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो तो जोड़ ही रहे ना। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को दूर करने का मकसद क्या है? आपने सिर्फ इस्लाम मुसलमानों को क्यों निकाला? ये तो कोई छुपी हुई बात है नहीं, आपने डायरेक्टली इस्लाम मुसलमानों को ही निकाला है ना। हम ये बोलते हैं कि आप माइनॉरिटी लाओ ना वहाँ से, हमने मना नहीं किया, लेकिन जब ये कानून NPR के साथ मिल जाता तो ये जहर है ना पूरे देश की एकता के लिए, जहर नहीं है सर? और सर हमारे साथ सिर्फ एहतजाज, हम मुसलमान नहीं कर रहे, हमारे साथ सिख भाई भी है, मराठा भाई भी है, दूसरी गैर कौम के लोग, OBC ST के लोग है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेसर्स है, लॉयर्स है, आज सुप्रीम कोर्ट में रैली निकली, जंतर मंतर तक एडवोकेट्स निकाला, पागल है वकील, उनको अक्ल नहीं अपना काम छोड़कर अपनी टाइम को इम्पोर्टेंस देते हुए कि नहीं ये कितना ज़रूरी है, हमारे देश को तोड़ देगा। शरद पवार साहब पागल है कि यहाँ से वहाँ तक रैली निकालने का, ये सब जो इतने पूरे इंटेलेक्चुअल लोग सारी दुनिया में, वेशराम साहब के छोटी मोटी शख्सियत है, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ना। ये चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, और इनके पास कोई मुस्लिम हिंदू यानी समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कोई टॉपिक बचा नहीं है। देखिए बाबरी मस्जिद हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, 370 तो ये टुकड़ा करने के चक्कर में है कि एक नया चीज़ पैदा कर दो। ये तो बांटने के लिए, राजनीति करने के लिए इन्होंने शोषा किया है, देखते हैं कब तक चलता है। यह हमारा इंटेंशन एक ही था सर ये फाइल करने का, ये अल्लाह वास्ते किए कि कल हमको भी अल्लाह को जवाब देना है, और हम चाहते हैं कि और भी इंटेलेक्चुअल लोग जो इस सोसाइटी के CA, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकील, और भी लोग फाइल करें, समझे इसको। रोड की लड़ाई भी ज़रूरी है और टेक्निकल लड़ाई भी ज़रूरी है, जितना हमको वहाँ ध्यान देना है। भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो वो करना भी ज़रूरी है, कुर्बानी देना भी ज़रूरी है, और हिकमत से लड़ना भी ज़रूरी है। तो हम इसके लिए हमने फाइल किया, इंटेंशन हमारा यही है कि लड़ते रहेंगे जब तक दम है। 22 से नोटिस इशू हो जाएगा, फिर उसके बाद में जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और दुआ करें कि अल्लाह हक में फैतर करे, और कोर्ट से पूरी उम्मीद है हमको टेक्निकल ग्राउंड पे मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसकी सुनवाई, उसको नोटिस जो है 22 जनवरी को दिया जाएगा, और ये CAA इसको लेकर ये लंबी लड़ाई सरकार के खिलाफ जो है शुरू हो चुकी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।